आपके साथ। आगामी 15 और 16 मार्च को विभिन्न बैंक संगठनों की ओर से बैंक हड़ताल का आह्वान किया गया है, जिसके तहत इन दो तारीखों में सभी राष्ट्रीयकृत बैंक पूर्णतः बंद रहेंगे। इस हड़ताल का मुख्य कारण है बैंकों का निजीकरण किया जाना, जिसके विरोध में बंद का आह्वान किया गया था। पूर्णिया में भी बैंक यूनियन द्वारा बैंक हड़ताल का आह्वान किया गया है, जिसे लेकर यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ने एक बैठक आयोजित की। इस बैठक में कई बैंक के अधिकारी शामिल हुए और सामूहिक रूप से दो दिवसीय बैंक हड़ताल को सफल बनाने पर रणनीति तैयार की गई। इनकी मांगों में मुख्य रूप से बैंक के निजीकरण पर रोक लगाया जाना है। बैठक में साफ तौर पर चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इसके बाद भी कोई निर्णय नहीं लिया गया तो ये लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने को विवश होंगे। बता दें किस चीज को लेकर के आप लोग 15-16 हड़ताल पे जा रहे हैं? ये यूनाइटेड फॉर्म ऑफ बैंक यूनियंस के बैनर तले सारे बैंक कर्मी, राष्ट्रीयकृत बैंक और स्टेट बैंक, सारे लोग हड़ताल पर जा रहे हैं। हड़ताल का एकमात्र मकसद है जो हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण महोदय ने संसद सत्र में घोषणा किया था कि बैंकों का निजीकरण करेगा। इसी का निजीकरण के लिए बैंकों के निजीकरण सर, आप लोग कौन कौन बैंक अभी साथ बैठे हैं यहाँ पे और मांगे क्या क्या? यहाँ पूर्णिया में जितने भी नेशनलाइज बैंक हैं अवस्थित, सारे बैंक के अधिकारी कर्मचारी यहाँ उपस्थित हैं। ये हम लोगों का एकमात्र मांग है कि बैंकों का निजीकरण बंद करें। ये बहुत दिन से साजिश चली आ रही है सरकारों की। हमारा स्पष्ट कहना है कि इस बैंक के बेचने से, राष्ट्रीयकृत बैंक को बेचने के बाद जो बैंक बचेंगे प्राइवेट बैंक में, वो आम नागरिकों के हक में नहीं है, आम जनता के हक में नहीं है। बैंकिंग महंगी हो जाएगी। जो हम जीरो बैलेंस से खाता खोलते हैं, प्राइवेट बैंक में जाने पर 10,000 से कम में खाता नहीं खुलेगा, तो ये बैंकिंग महंगी हो जाएगी। ग्रामीण हम जो लोगों को जितने भारत सरकार की योजना है उस सारे योजनाओं का क्रियान्वयन हम लोग करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा हरित क्रांति आई, जितने भी क्रांति आई अभी जो आप देख रहे हैं, नोटबंदी हुआ, जनधन योजना खोला गया, सारे इसी नेशनलाइज बैंकों ने किया। कोविड पीरियड में आपने देखा होगा कि कोविड पीरियड में लोगों के पास पैसा पहुंचाने का काम किसने किया? इसी नेशनलाइज बैंक ने। आज आप अगर ये बैंक प्राइवेट हो जाएंगे सारे के सारे, तो रूरल गाँव में कौन सा बैंक खुलेगा? लेह लद्दाख में कौन बैंक खोले जाएगा प्राइवेट बैंक? ये भारत के लिए एकदम से गलत है और इस गलत नीति का हम लोग विरोध। एक दिवसीय धरना है, ये बंदी है, दो दम से बंदी है, 15 और 16 को ये बंदी है। इसके बाद भी अगर ये निर्णय नहीं वापस होता है, विधेयक वापस नहीं होता है, तो हम लोग इंडिविजुअल स्ट्राइक पर भी जा सकते हैं।